कल नेपाल वर्सेस इंडिया का जो मैच था वो काफ़ी रोमांचक रहा, काफ़ी दर्शनीय रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट होने वाला था नेपाल के सामने मुकाबला वो था इंडिया का, और जिसके अंदर नेपाल ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर दिखाई है। तो किस बॉलर ने कितने विकेट लिए, किसने कितने रन बनाए, नेपाल का स्कोर क्या था और इंडिया का स्कोर क्या था, ये सभी बात जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं नेपाल वर्सेस इंडिया मैच की तरफ। तो पहले इंडिया ने बैटिंग की और यहाँ पर 297 रन का टारगेट जो है वो नेपाल के सामने खड़ा किया, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे एस दास, जिन्होंने 101 बॉलों के अंदर 116 रन बनाए, जिसके अंदर 11 चौके और 3 छक्के हैं वो यहाँ पर एस दास ने लगाए, जो इंडिया के बैट्समैन हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं यू सवारन, जो कैप्टन हैं इंडिया के, और उन्होंने 107 बॉलों के अंदर 100 रन बनाए, जिसके अंदर 9 चौके भी उन्होंने लगाए। इसी प्रकार से इंडिया का जो स्कोर है वो 297 रन पर 5 विकेट चला गया। उसके बाद बैटिंग की बारी आती है नेपाल की, और नेपाल के बैट्समैन थे वो कुछ खास कल के मैच के अंदर नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर दीपेश बोहरा ने 42 बॉलों के अंदर 22 रन बनाए, आकाश कुमार ने यहाँ पर 64 बॉलों के अंदर 26 रन बनाए, और यहाँ पर थापल ने 30 बॉलों के अंदर 8 रन बनाए, देव खनल ने 63 बॉलों के अंदर 33 रन बनाए, विक्रम केसी ने 2 बॉलों के अंदर 1 रन बनाया, यहाँ पर डी दुमरे ने 4 बॉलों के अंदर 0 रन बनाया, और गुलशन झा ने 6 बॉलों के अंदर 1 रन बनाया। लेकिन गुलशन झा ने बॉलिंग के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है वो किया, क्योंकि गुलशन झा ने 3 विकेट जो है वो अपने नाम किए 10 ओवर के अंदर 56 रन के नुकसान पर। और दूसरे आते हैं डी खंडेल, उन्होंने 0 विकेट लिया, और आकाश चंद ने यहाँ पर 1 सफलता है वो अपने नाम की 2 ओवर के अंदर 65 रन के नुकसान पर, यानी कि रेटिंग जो है रनों की वो हाई थी कल के मैच के अंदर। और इसी प्रकार से नेपाल अंडर 19 जो स्कोर है वो 165 पर 9 विकेट 50 ओवर के अंदर ही बना पाई, और इसी के बीच इंडिया जो है वो 132 रनों से विजेता रहा। लेकिन एक बात कह सकते हैं कि नेपाल की कल की परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी बेहतरीन रही। तो आपको क्या लगता है, अपने विचार जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगली नेपाल की बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग नेपाल न्यूज़ के साथ।